नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ इमरान पूरी दुनिया में मदद मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो अपने ही देश में घिर गए हैं। इमरान खान जिस तरह से हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं, विपक्षी नेता उसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। पाक संसद में ही इमरान को जवाब देना भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी नेता हिना रब्बानी खान ने भी इमरान खान को जमकर लताड़ लगाई। 370 पर चर्चा के दौरान हिना रब्बानी खान ने इमरान को बेवकूफ और अनाड़ी तक कह दिया। हिना ने इमरान खान पर आरोप लगाया कि वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं। हिना ने इमरान से पूछा कि आपका क्या बिजनेस है, क्या आप एक संप्रभु मुल्क नहीं है, क्या आप ये उम्मीद नहीं करते कि लोग आपकी इज्जत करें, हर रोज आप ऐसी बात करते हैं कि पाकिस्तान मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता, अगर आप अनाड़ी हैं, आपको ट्रेनिंग चाहिए तो मेहरबानी करके आप ट्रेनिंग ले आएं और फिर चुनाव लड़ें, लेकिन जब आपको इस देश का वोट मिला है तो आप उसे शर्मिंदा मत कीजिए। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में पाकिस्तान के पीएम ने दावा किया था कि 370 के मसले पर श्रीलंका उनके साथ खड़ा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर इमरान के दावे की धज्जियां उड़ा दी और उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाक की जगहंसाई हो रही है। आपको बता दें कि हिना इससे पहले भी संसद में इमरान की बेइज्जती कर चुकी हैं, जिसका वीडियो भी इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। हिना ने तब भी इमरान के बयान को कोट करते हुए कहा था कि हमारे पीएम ने तो इतिहास और भूगोल को ही बदल दिया। You know, honorable member ने कहा कि we are distorting facts. The prime minister, the honorable prime minister has distorted both history and geography in front of us. And this wasn't a slip of tongue. The honorable prime minister went on at length to explain how Germany and Japan are neighbors and post World War II in which they were in the same team. That is what history tells us and geography tells us ke Japan East Asia mein hai, Germany Europe mein hai. Prime Minister keh rahe hain wo dono neighbors hain. Prime Minister history hame batati hai World War II mein wo dono ek hi team mein the. Prime Minister keh rahe hain wo adversaries the. To ye hamare mulk ke muntakhib numainde nahi hai, hamare mulk ke I will not Prime Minister hain. Ye pure Pakistan ke upar ek laughing stock bana dete hain Pakistani mulk ko. दरअसल 4 महीने पहले इमरान खान ने तेहरान में कहा था कि जैसे जर्मनी और जापान आज एक साथ हो गए हैं, वैसे ही हम भी कोशिश करेंगे। It strengthens ties. The more trade you have with each other, the your ties automatically get stronger. Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War. They decided that they would have on the border. On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relationship because their economic interests are tied together. अपने यहाँ एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। पाकिस्तान का हाल भी इन दिनों ऐसा ही हो गया है। पाकिस्तान पहले से ही बर्बादी के दरवाजे पर खड़ा है और वहाँ के पीएम इमरान भी बचा कुचा चौपट करने में लगे हैं। साथियों, भारत में आज ईज ऑफ लिविंग हमारी प्राथमिकता है। न्यू इंडिया में किसी को अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए अनेक विध काम किए जा रहे हैं। आज जब आप भारत में रह रहे अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो आप परिवर्तन महसूस करते हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं, क्या आपको ये चेंज फील हो रहा है?
भारत के तेवर और कलेवर बदलते दिख रहा है, पक्का दिख रहा है। भारत और भारतीयों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? माथा ऊंचा कर करके जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बीते 5 वर्षों में सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने पर बल दिया गया है। देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए घर बनाए गए, घरों में टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, ऐसी हर मूलभूत सुविधा पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया। आज भारत का लगभग हर परिवार बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन, इंटरनेट भारत के सामान्य से सामान्य परिवार की पहुंच में है। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा अगर कहीं है तो वो भारत में है। आज भारत में अधिकतर सर्विसेज की डिलीवरी डिजिटली हो, इसके प्रयास आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सामान्य से सामान्य परिवार को भी सोशल सिक्योरिटी की सुविधा दी जा रही है। इंश्योरेंस हो या पेंशन, बहुत ही मामूली प्रीमियम पर गरीब से गरीब को उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, करीब 50 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, यही वो बदलाव है जिसके कारण 130 करोड़ भारतीयों ने पहले से भी बड़े जनादेश से इस सरकार को चुन करके फिर एक बार आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। हर भारतीय को ये विश्वास हुआ है कि भारत के सपने पूरे हो सकते हैं, आशाएं और आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं, संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। भारत की इसी आस, इसी विश्वास के बल पर आपका ये सेवक
नए नए संकल्पों को सिद्ध करने में जुटा है।